तकरीबन 21-22 साल का होऊंगा। और फिर जब मैं फर्स्ट टाइम जब इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने सोचा बहुत ज़्यादा कंपटीशन। मैंने एक थॉट ये आया कि मतलब मेरे को देखना है इस इंडस्ट्री को, मैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव हुआ इस चीज़ को देख के। हाँ, बट ऑयलिंग अगर आप स्कैल्प पे अप्लाई कर रहे हो तो वो तो मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करता है, नरिशमेंट देने का काम करता है। आज का जो बातचीत का एपिसोड है वो बहुत ही अलग और यूनिक होने वाला है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आज मैं आ गया हूँ एक सैलॉन के अंदर, जहाँ पे आज जिन भाई से मैं हेयर कट करा रहा हूँ वो एक हेयर स्टाइलिस्ट हैं, और मेरे जो दोस्त है पौरुष, उनके खास दोस्त हैं। इनकी जर्नी बहुत अमेजिंग रही है। फ्रॉम लाइक मैं इनसे पूछूंगा, मुझे पता है ऑलरेडी, लेकिन मैं इन्हीं से पूछूंगा कि क्या और किस तरह से रहा है। तो लगे हाथ मैंने सोचा कि अगर मैं सैलॉन आ ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं अपना हेयर कट भी करा लूँ। और आइडिया माइंड में है कि हेयर कट कराते कराते इनसे बातचीत की जाएगी तो कितना मज़ा आएगा। ऑल दो उसमें ब्लेड ब्लेड का सिस्टम भी होता है, तो जब ब्लेड वाली बारी आएगी तो मैं चुप हो जाऊंगा, लेकिन बाकी टाइम में बहुत बोलूंगा। तो वेलकम सर। कैसे हो आप? मैं अच्छा, आप कैसे बहुत हैं? बढ़िया। अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। आप वैसे भी नाम तो जानते ही हैं, मेरा नाम उदित है। वैसे भी इस इंडस्ट्री में मुझे आईडी के नाम से जानते हैं। बहुत करीबन 10 से 11 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। 11 साल? 10 से 11 साल। ठीक है, हम ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं और प्रोसेस श्योर। स्टार्ट करते करते बातें कर लेंगे। दोस्त कैसे आए इस फील्ड में ये बताओ मुझे आप। 11 साल इट्स अ वेरी बिग लॉन्ग टाइम। 11 साल से ही कर रहे हैं, कैसे इस फील्ड में? बेसिकली मेरी फैमिली बैकग्राउंड, जो मेरी मम्मा दर का बैकग्राउंड है वो मेडिकल लाइन से है, मेरे अच्छा पापा ऑफिस लाइन से हैं। हाँ तो कभी ऐसा सोचा नहीं था, बट लेकिन मेरे को कुछ चीज़ें ऐसी, मेरे कज़न है, एक बहुत दूर का कज़न है, उसने वो इस इंडस्ट्री में था बहुत सालों से। हाँ आई मीन जब मैं इस इंडस्ट्री में आया उसको 9 साल ऑलरेडी हो गए थे, तो उसको देख के इंस्पायर हुआ। प्लस दूसरा आप कह सकते हो कि उसमें मैंने एक्सपीरियंस किया कि वो कैसा है, मतलब क्रिएटिव वर्क मेरे को चाहिए था कि कुछ क्रिएटिविटी करूँ, कुछ हटके करूँ, कुछ अलग करूँ, तो मेरे को इस लाइन का तभी मेरे को पता लगा। फिर मेरे को कोर्सेज वगैरह के बारे में लगा। आप स्कूलिंग में होंगे 11-12 साल पहले, है हाँ ना? हाँ है ना, स्कूलिंग में करते टाइम यूजुअली जो बच्चे सोचते हैं वो योग एक जेनरिक पर्सपेक्टिव सोचते हैं। अगर कॉमर्स स्टूडेंट वो सोचता है कि मैं सीए कर लूँगा या अकाउंटेंट बन जाऊँगा या सीएस कर लूँगा, इस टाइप से कर लूँगा। साइंस वाला सोचता है यूजुअली कि इंजीनियरिंग कर लूँगा या फिर डॉक्टर टाइप बन जाऊँगा या फिर बीएससी वगैरह करके जो है टीचिंग लाइन में चला जाऊँगा। साइंस से रिलेटेड जितनी भी फील्ड होती है वो सोचते हैं। आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो या तो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए सोचते हैं या फिर वो प्रोफेसर और टीचिंग लाइन में सोचते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें वो कर रहे होते हैं स्पेसिफिकली उस टाइप का उनका रहता है। यूजली दिस इज़ अ टोटली अलग फील्ड, क्योंकि आप एक ये वाली जो फील्ड है ना, मुझे ऐसा लगता है ये डेस्टिनी वाली फील्ड है। आपको किस्मत कहीं से कहीं लेके जा रही होती है और आप इस जगह आ जाते हो। आप स्पेसिफिकली बचपन में या फिर स्कूल टाइम में नहीं सोचते, दिस इज़ माई परसेप्शन, कि मुझे सैलॉन चलाना है या फिर मुझे हेयर स्टाइलिस्ट बनना है, क्योंकि आई गेस स्कूल में तो पता ही नहीं होता होगा कि ये एक ये प्रोफेशन है। हम जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं तो हमें तो लगता है कि यार चलो बाल बड़े हो गए, हेयर कट कराने जाना है, घर वालों ने पैसे दिए वो करा के आ गए, है ना। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगेन कि व्हाट वाज योर थॉट फर्स्ट टाइम आपके माइंड में कब आया, कि कितने साल के थे आप, क्या चल रहा था उन दिनों ज़िंदगी में कि आपके मन में आया कि मुझे सैलॉन बिजनेस में या हेयर स्टाइलिस्ट बनना है? तकरीबन मैं 21-22 साल का होऊंगा उस टाइम पे। और मैंने एक थॉट ये आया कि मतलब मेरे को देखना है इस इंडस्ट्री को, मैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव हुआ इस चीज़ को देख के। और दूसरा मेरे को थोड़ा सा हटके करना था अपनी फैमिली में, क्योंकि मेरी मदर भी बोल रही थी कि मेडिकल में चली जाओ, मेडिकल लाइन में, क्योंकि मैंने आर्ट्स से करा था तो मेरे को मेडिकल लाइन का तो सर के ऊपर से जाना था। ऑफिस लाइन पापा का वो ये था कि कुछ भी कर लो, पापा का ये था कि कुछ भी कर लो, जो अच्छा करो, जो भी करो, बस मेरे को थोड़ा सा हुनर के लिए करना था, अपना हुनर को वो करना था कि कुछ हाथ का काम होना ज़रूरी है। और कुछ लोगों ने मुझे गाइड भी किया कि हाथ का काम बहुत ज़रूरी है लाइफ टाइम। आप लोग आप ऑफिस वर्क एक टाइम तक होता है, हाथ का काम कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो चीज़ हम मेरे साथ रही है। तो मैंने उस चीज़ को भी थॉट करा। और फिर जब मैं फर्स्ट टाइम जब इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने सोचा बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन। तो फिर मैंने बोला नहीं यार, अब करना तो करना है। मीन्स मेरे को उस एक कहते ना अचीव, मेरा गोल था एज अ टेक्निकल एजुकेटर, उस गोल के पर्पस, उस गोल को लेके आज तक मैं उस चीज़ को चल रहा हूँ। हाँ तो वो थॉट लेके, और आज भी वही थॉट है कि मेरे को कुछ बनना है अब इस करियर में, मतलब अपने ही लेवल पे आना है। जैसे आपके जानते होंगे शायद अली महकिम, उस लेवल तक भी पहुँच सकते पहुँचना है।
स्टार्टिंग कैसे की थी जर्नी? एक नॉर्मल जैसे गली मोहल्लों में? वैसे मैंने एकेडमिक कोर्स किया फर्स्ट ऑफ ऑल 6-7 मंथ्स का। क्या फायदा होता है उससे? बेसिक क्या क्या सिखाते हैं? बेसिक चीजें सिखाते हैं उसमें, जैसे लाइक आपको सीजर पकड़ना, बालों के अंदर क्या होता है, साइंस होती है, साइंस बेसिक्स हेयर साइंस होती है। क्या होती है हेयर साइंस? आप बात भी कट करते करते भी बात कर सकते हैं अगर कंफर्टेबल है तो। हां कोई इशू नहीं। हां सो बेसिकली हेयर साइंस में क्या होता है, बहुत बेसिक सी बालों के स्टडी होती है जिसमें आपको बताया जाता है बालों की कितनी लेयर्स होती हैं, क्या क्या होता है बालों के अंदर, किस चीज़ से बनता है। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हमारे को वो गाइड करते हैं। कितनी लेयर होती है थोड़ा सा ज्ञान? जैसे आप बता दो, 3 लेयर्स होती हैं हमारी हेयर में, एक सिंगल स्टैंड्स में आप 3 लेयर्स में आपको देखते हो, जिसका नाम है कॉर्टेक्स, क्यूटिकल, मेडुला। ओके, मेडुला तो बहुत रेयर पाई जाती है, साउथ इंडियन हेयर में होती है जिसके बहुत थिक हेयर होते हैं। अच्छा, कॉर्टेक्स और क्यूटिकल हमेशा रह जाती है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी पहले कोटेक होती है, देन क्यूटिला, देन यस यस फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये बालों के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि बाल जितना लंबा है ऐसा? नहीं नहीं, लंबे के ऊपर नहीं डिपेंड करता, उसकी डेंसिटी। अच्छा, उसकी जो स्ट्रेंथ वो होती है ना, डेंसिटी, उसके ऊपर डिपेंड करता है सारा। तो अगर जैसे मेरे बालों को देख करके क्या लगता है कि मेरी 2 स्टेज है या 1 स्टेज है या 3 स्टेज है? कोटेक्स और क्यूटिकल दोनों ही है। हां, बिकॉज़ ऑफ शाइन जो देती है कोटेक्स लेयर देती है। अच्छा, क्यूटिकल होती है वो आपके इंटरनल लेयर होती है। तो इंटरनल लेयर में आपका सारा काम होता है, कलर पिगमेंट्स, बालों को वाइट भी होता है तो वो उसके कलर पिगमेंट्स खत्म हो जाते हैं तब वाइट होता है। अच्छा, मॉइस्चर उससे मिलता है। अच्छा, आपके बालों में शाइन जो आती है वो सब चीज़ें उसी से आती है। और थर्ड वाला क्या बताया था आपने? मेडुला। मेडुला वो साउथ इंडियंस में क्यों होता है, नॉर्थ इंडियंस में क्यों नहीं? बिकॉज उनके थोड़ा सा थिक हेयर होते हैं, मोटे बाल होते हैं। अच्छा, उसमें पाई जाती है, जैसे आपने देखा हुआ नीग्रोस वगैरह के भी होते हैं। हाँ, उनके बाल बहुत मोटे होते हैं, थिक होते हैं, कोई हाँ, भी प्रोसेस करो तो जल्दी से नहीं होता, बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। लेकिन हम लोग स्मूथनिंग वगैरह करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। अच्छा, जैसे जिनके थोड़े मीडियम पतले बाल होते हैं उनके जल्दी आ जाते हैं बिकॉज उसमें नहीं होती। अच्छा, मोटे बाल उनके, उन्होंने उनका डाइट भी अच्छा होता है, फिश वगैरह भी खाते हैं वो लोग, ऑयल्स, नारियल का तेल वगैरह ये सब ज़्यादा यूज़ करते हैं, डार्क भी रहते हैं उनके बाल। ओके, कलर लाइटनिंग में भी दिक्कत आती है। अगर तीनों लेयर हो तो विच इज़ अ गुड थिंग। यस, बट आज के टाइम में एज एनवायरनमेंट को देखते हुए और आपके पोल्यूशन, वेदर, ये सब चीज़ों को देख के, पानी को देखते हुए बहुत रेयर होता है कि तीनों पाई जाए। Okay. बहुत रेयर होता है बिकॉज एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया कई चीज़ों की वजह से। और क्या सिखाते हैं वहाँ पे एज अ कोर्स अगर स्टूडेंट कोई भी आफ्टर 12th या फिर? कलर्स होते हैं हमारे, कई सारे टाइप के कलर्स होते हैं, किस हेयर पे कैसा कलर जाएगा। हाँ, का फिर हेयर कट्स होते हैं, हेयर कट, बेसिक हेयर कट होते हैं जिसमें हम लोग स्ट्रेट सीखते हैं, यू शेप देना, वी शेप देना, फ्रेमिंग सीखते हैं जैसे फ्रंट से फ्रेम देना, किस हेयर पे किस फेस पे कौन सा स्टाइल चूज करेगा वो रहता है, वो चीज़ें। मेरा जो एक सलोन वाला है जिनसे, क्योंकि मैं दिल्ली के दूसरे एक पार्ट में रहता हूँ। ओके ओके ओके। और जो मेरे सलोन वाले हैं उनको, मतलब उनको ऐसे बता रखा है कि मैंने यहाँ से छोटे कर दे, यहाँ से छोटे कर दे, यहाँ से ऐसे कर दियो कि बस वो गंजापन ना दिखे। बट आप ज़्यादा शॉर्ट करा लेते हो यहाँ से, मैंने ये नोटिस करा है क्योंकि ये चीज़ आपका कवर है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर फोरहेड आपका ब्रॉड है या बाल ज़्यादा जा रहे हैं तो यहाँ से ज़्यादा शॉर्ट नहीं कराना चाहिए। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली कर दो। मैं तो अपने हिसाब से ज़्यादा शॉर्ट नहीं, स्किन फेड ही करूँगा जैसे आपको ऑलरेडी हो रहा है, बट उसको थोड़ा सा चेंजेस दे सकते हैं हम लोग साइड से। ठीक है, वेरिएशन देखिए साइड में करके उसको ब्लेंड करेंगे। ये कैसे पता चलता है आप सबको कि ये वाला अच्छा लगेगा? क्योंकि हमारा सबसे बड़ी बात है फेस के अकॉर्डिंगली देखा जाता है। जैसे मेरा फर्स्ट गोल है राउंड है, अब मैं इसको स्क्वायर में लेके आऊँगा। ओह ओके, इंटरेस्टिंग। ये चीज़ फिर ऐसे, ओके, वो शेप स्क्वायर में आ जाएगी, जैसे ट्रू कट बोलते हैं जिसे। कौन सा कट? ट्रू कट, टू कट, ट्रू, ट्रू, ट्रू सी, ट्रू सी, नहीं नहीं, ट्रू कट, हाँ ट्रू कट। ओह, सो वो है आपका, ये चीज हम लोग आप करेंगे और बैक से भी ब्लेंड करेंगे इसको। हाँ, और आपका फेड करके फिर इसको ब्लेंड करेंगे, ठीक है, साथ करके। इंटरेस्टिंग होगा ये, लिख डाउन। और क्या सिखाते थे क्लास में? बेसिकली कट को तो, कट तो है ही, हेयर कटिंग उसके कोर्स में तो कट तो रहता है, ये कलर रहता है आपका, स्टाइलिंग रहती है बेसिक स्टाइलिंग, जैसे आपका हेडू, कर्लिंग एंड ऑल, ये सब वो सब रहता है। तो वो सब में क्या होता है कि हम लोग को बेसिक सीखना पड़ता है, बेसिक के बाद जब आप एक्चुअल जो एक्सपीरियंस मिलता है वो आपको फ्लोर पर मिलता है। क्योंकि कई लोगों से मैंने एक्सपीरियंस किया कि वो इंडिया में का ज़्यादातर क्या होता है, जुगाड़ चलते हैं, जो कलर नहीं आ रहा उस कलर को भी दे देते हैं।
अगर आपके पास कलर ट्यूब भी खत्म हो गई फॉर एग्जाम्पल, आपका आप क्या करोगे? आप थ्योरी काम नहीं आएगी, मतलब आपका एक्सपीरियंस काम आएगा। तो मैंने ऐसे लोगों से भी मैंने सीखा कि आपको ऐसी चीज़ों में कैसे आपको निकलना है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कलर ख़त्म हो गया है और वो क्लाइंट को चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? अब उसको चाहिए वही, कुछ उसको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, चाहिए वही कलर लेकिन और कुछ और नहीं चाहिए। मैं कितना भी उसको कन्विंस कर रहा हूँ नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए उसको वही। सो उसको मैंने क्या करा, मेरी नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ उस कलर के आसपास का कलर मैंने उसको दिया, और वो जब आफ्टर वॉश के बाद हमने फाइनल रिजल्ट उसको दिया, तब वो उसको एग्जैक्ट वही रिजल्ट मिला। रीज़न हमारे एक्सपीरियंस, मीन्स जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनके एक्सपीरियंस हम लोग ले रहे हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। कलर कराने से बाल खराब होते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। डिपेंड करता है, आप एक परसेप्शन है कि कलर करा लिया बाल खराब हो जाएंगे, ऐसा डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात आप मेंटेन कर रहे हो ना। हाँ। कोई भी चीज़, सबसे मैं मानता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई गाड़ी ली है, छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताऊँ, आपने अगर गाड़ी लिया उसको अगर आप सर्विस नहीं करा रहे या उसमें पेट्रोल नहीं डलवा रहे तो वो बेकार है आपके लिए, और वो एक टाइम आएगा वो ख़राब हो जाएगी। दैट मीन्स आप कंपनी को कंप्लेंट नहीं कर सकते या BMW को कंप्लेंट नहीं कर सकते कि आपकी गाड़ी ख़राब है, गलती कहाँ पर हमारी। मीन्स उसको मेनटेन नहीं करा। सो मेनटेन करने के लिए वही चीज़ करनी पड़ती है हमेशा कि बेसिकली मेंटेन करने के लिए आपको ट्रीटमेंट्स वगैरह लेने पड़ते हैं आफ्टर दैट, और होम केयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसमें। ओके, जैसे क्या क्या करना पड़ता है? जैसे लाइक आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फीमेल का एग्जांपल देख के बताऊंगा। फीमेल्स के हम लोग कलर करते हैं, स्मूथनिंग, केराटिन, रिबॉन्डिंग, क्या क्या होता है, सर्विस होती है। व्हाट इज केराटिन? केराटिन इट्स अ प्रोटीन ट्रीटमेंट। ओके, उसमें क्या होता है? सो उसमें क्या होता है, बालों में जिससे बाल बनता है, केराटिन प्रोटीन आपने सुना होगा, केराटिन प्रोटीन से बाल बनता है। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली वही आर्टिफिशियल केराटिन हम लोग फिलअप करते हैं। अच्छा, एक भेड़ होती है प्रेसीज नाम की, उसको जो वूल होता है वो न्यूजीलैंड में पाई जाती है, उसका जो वूल होता है ना वो ह्यूमन हेयर से काफ़ी मैच करता है। सो उसके एक्सट्रैक्ट को निकाल के हम लोग आर्टिफिशियल केराटिन बालों में फिल करते हैं, उसका लास्टिंग 3 to 4 months, 5 months होती है, डिपेंड ऑन मेंटेनेंस। अच्छा, सो वो उसमें, उससे के बाद क्या होता है कि वो आपके बालों में शाइन, नरिशमेंट, सॉफ्टनेस, ये सब आपको देती है। सो वो आपके बालों में दोबारा से जैसे आपके पहले बाल हुआ करते थे वैसे ही आपको लुक देती है, लेकिन उसमें टेक्सचर चेंज नहीं होता। सबसे ज़रूरी फोम सर्विस नहीं है, वो बेसिकली केयरिंग सर्विस है। ओके, फोम सर्विस में क्या होता है, स्मूथिंग, रिबॉन्डिंग हो गई, जैसे हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं किसी चीज़ का, जैसे आपके कर्ली बाल हैं, हमने आप उस बालों को टेक्सचर चेंज करके स्ट्रेट कर दिया परमानेंटली। अच्छा। जब तक आपकी न्यू ग्रोथ नहीं आती। ओके, वो चीज़ रहती है। तो उसके बाद जब न्यू ग्रोथ आएगी तो वो जो नई शेप थी उसके अकॉर्डिंग आएगी। हाँ, एग्जैक्टली, न्यू ग्रोथ आपकी रूट्स आती है। हम इंटरनल वर्क नहीं करते, एक्सटर्नल वर्क करते हैं, डॉक्टर लोग करते हैं इंटरनल वर्क। ऐसे नहीं पूछते आपसे लोग, यार यार बाल कम हो गए मेरे, मैं ऐसा कौन सा शैम्पू लगाऊं या ऑयल लगाऊं? कि हम लोग शैम्पू रेकमेंड करते हैं, ट्रीटमेंट्स रेकमेंड करते हैं। हाँ, बट कोई भी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग वो नहीं कहते कि नया बाल उगा देगा। अच्छा, क्यों? जैसे रीज़न इसके पीछे ये रहता है कि हम लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट जो भी होता है वो सपोर्ट करता है आपके सेल्स को। जितने भी आपके सेल्स हेल्दी सेल्स काम कर रहे हैं आपकी ग्रोथ के लिए, वो स्लीप मोड में चले जाते हैं या डेड हो जाते हैं, तो उसको एक्टिवेट या करने के लिए आपको प्रोडक्ट हेल्प करता है। प्रोडक्ट के ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जैसे ओमेगा 6, वो आपके बालों के लिए हेल्प करता है, ताकि आपके सेल्स को रीजनरेट करता है एक तरीके से। सो वो करके बहुत अच्छा वो रहता है रिजल्ट उसमें, तो आपके बालों में हेयरफॉल कंट्रोल करता है, गिरने से रोकता है, नया बाल नहीं हुआ था, जो हो गए हो गए, बट जो होने की स्टेज पे उसको कंट्रोल करता है। ओमेगा 6 तो कैप्सूल भी आते हैं इनटेक करने के लिए, वो भी आप जैसे कुछ लोग लेते भी हैं, जैसे विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, प्लस जैसे फिश ऑयल का फिश वो टैबलेट्स आते हैं उसके, उससे क्या होता है कि आपका वो रहता है कि बालों में, और एंटी एजिंग होता है बेसिकली वो। सो स्किन के लिए और हेयर के लिए दोनों अच्छा होता है, वाइट हेयर के लिए भी अच्छा होता है, जैसे वाइट हेयर जिसके ज़्यादा आ रहे हैं कम एज में, तो वो भी अगर वो लेता है तो उस एज में। वैसे नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खाऊंगा तो ये रिकमेंड करूँगा दवाई से बेटर।
अच्छा नेचुरल चीज़ें, जैसे कुछ लोग फिश खाना पसंद करते हैं तो उनके लिए बाल आपने नोटिस करा होगा ज़्यादातर बंगाली एंड बिहारी एंड साउथ के साइड के लोगों के कम से कम बाल वाइट होते हैं, हाँ नोटिस करा होगा आपने। सो वो इसी यही कारण है जो वेजिटेरियन है उसके लिए कुछ लोग नहीं करते ना ये सब चीज़ें खाते, इस वजह से उनके लिए उनको वो नहीं है, फिर वो आउटडोर वर्क के होते हैं। वाइट हेयर होने का कारण यही है कि कुछ लोग आउटडोर वर्क करते हैं, कुछ हेरिडिटी होती है, हाँ राइट। और कुछ हेरिडिटी होती है, प्लस दूसरा कुछ हैवी मेडिसिंस वगैरह लोगों की चलती है, हाँ वो सब भी है। एक चीज़ का और बताओ, जैसे जैसे मैं एज अ कस्टमर लेट्स से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं अक्सर ये जितने भी मेरे सैलून वाले उनसे पूछ लेता हूँ कि मेरे ना भैया बीच में बाल हल्के से गायब हो गए हैं, है ना, एक पैचेस आ गए हैं वो गंजेपन वाले, हाउ हाँ टू रिजॉल्व दैट, या फिर मैं ऐसा कौन सा, लेट्स अज्यूम जैसे मैं अपने लिए कहूँ कि मेरा बीच में जो यहाँ पे स्कैल्प एरिया है थोड़ा थोड़ा सा है हो गया है, ओके मैं विच शैम्पू या फिर विच ऑयल वुड यू रिकमेंड, क्या ऑयलिंग मुझे डेली बेस पे करनी चाहिए, वीकली करनी चाहिए, या फिर ओके शैम्पू वीकली करना चाहिए, डेली करना चाहिए, क्या प्रोसेस अपनाना चाहिए? सो देखो, शैम्पू मैंने जैसे आपको बताया फॉर द क्लिंजिंग पर्पस एंड सपोर्ट करता है वो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने में। सेकंड थिंग, आपका ऑयलिंग कोई बुरा नहीं है, अगर उसके नुकसान नहीं है तो कोई मेजर फ़ायदा भी नहीं है। हाँ, बट ऑयलिंग अगर आप स्कैल्प पे अप्लाई कर रहे हो तो वो तो मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करता है, नरिशमेंट देने का काम करता है, उसका लेवल एक, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत मोटे होते हैं और जो प्रोडक्ट हम लोग कंडीशनर हैं ना, लेविन क्रीम वगैरह एंड ऑल ये सब देते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत नैनो टेक्नोलॉजीज में होते हैं, जैसे सीरम एंड ऑल। सीरम और ऑयल को देखोगे आप, ऑयल लगा लो उसके बाद शैम्पू करने के बाद फिर आप सीरम लगाओ, दोनों चीज़ सेम है बट उसका लाइट वेट है और ऑयल बहुत थिक होता है। तो अगर आपने सीरम लगा दिया, सीरम आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने सीरम लगाया, बहुत लाइट वेट होता है, आपको स्टिकी भी नहीं लगेगा। तो विच इज़ गुड, विच वन इज़ गुड, सीरम और ऑयल? दोनों बेस्ट है, बट अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप चाहते हो कि ऑयलिंग करना हफ्ते में एक बार और बाकी टाइम सीरम, दोनों बेस्ट है। अच्छा, और शैम्पू कितना करना चाहिए वीक में? मैक्सिमम थ्राइस और मिनिमम ट्वाइस। अच्छा, और ऑयलिंग? ऑयलिंग हफ्ते में एक बार कर लो, कोई इशू नहीं है। और बाकी दिन सीरम भी ना यूज़ करें देन? सीरम नहीं यूज़ करते, देखो कहीं ना कहीं बालों को ना वो चाहिए होता है प्रोटेक्शन, सन्स प्रोटेक्शन, हीट प्रोटेक्शन, यूवी प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो सीरम आपके एक तरीके से शील्ड का काम करती है, एक लेयर क्रिएट करती थी, शाइन की भी, शाइन भी आ जाती है, आपके फ्रिज भी कंट्रोल हो जाता है, साथ साथ आपके आपका हीट प्रोटेक्शन रहता है, तो वो आपके बालों के अंदर एक शील्ड का काम करता है, अच्छा बेस्ट पार्ट है उसका। और जो ये शैम्पू करने के बाद कंडीशनर करना है वो क्यों ज़रूरी है, और बिकॉज कितना टाइम का गैप रखना चाहिए, जैसे लेट्स से जैसे जब नहा रहे हो शैम्पू किया ओके तो कितनी देर बाद कंडीशनिंग करें? बेसिकली शैम्पू मैं रिकमेंड ज़्यादा करता नहीं हूँ जेंट्स के बालों में, शॉर्ट होते हैं, थोड़े से लॉन्ग होते हैं जैसे मेरे, तो मैं कहता हूँ कि हमें कंडीशनर यूज़ करना चाहिए, वो भी मिड टू एंड, नॉट टॉप एरिया स्कैल्प पे नहीं या रूट्स के पास नहीं, बिकॉज क्या होता है कंडीशनर सिल्की सॉफ्ट नरिशमेंट देने का काम करता है, राइट। आपके स्कैल्प के पोर्स इतने ब्रॉड होते हैं, वो अंदर जाके पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट करने के बाद आपका जब आपका कंडीशनर के जो हेयर की बल्ब है, हेयर की पकड़ है, वो लूज़ और सिल्की कर देता है, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप हाथ मारोगे तो वो आपके बालों को उसकी पकड़ से निकल जाएगा नेचुरली, तो गिराना स्टार्ट कर रहा है एक तरीके से, हाँ देसी भाषा में स्कैल्प पे नहीं, स्कैल्प पे इसलिए नहीं। स्कैल्प पे हम रिकमेंड करते नहीं है, मिड टू एंड, टू से दो से दो से 5 इंच तक आपका स्कैल्प प्रोवाइड करता है मॉइस्चर, नेचुरल ऑयल जिसे हम सीगम कहते हैं, मीन्स स्वेट, हाँ स्वेट है, वही आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड भी कर रहा है, हाँ, साथ साथ, हाँ ठीक है। और इतना आपको ज़रूरत नहीं है रूट से, इतने तक आपको 4 से 5 इंच तक आपको ज़रूरत नहीं है सीरम या मतलब बेसिकली आपको स्कैल्प पे नहीं लगाना कंडीशनर, लेडीज़ में बात करूँ लेंथ में लगा सकते हो मिड टू एंड, क्योंकि वहाँ से नीचे तक लेंथ तक आपको कोई भी नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा। और शैम्पू के बाद कंडीशनर इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज ऑफ शैम्पू होता है सल्फोम, शैम्पू में कहीं ना कहीं सल्फेट होता है, वही आपके बट बालों तो को क्लीन सल्फेट फ्री करता आते हैं शैम्पूज ऐसे रिकमेंड ऐसा है। हाँ प्रॉपरली वो बिल्कुल, प्रोडक्ट परसेंटेज होती है, सबसे बड़ी बात परसेंटेज होती है, मींस किसी चीज़ किसी शैम्पू में 20% सल्फेट फ्री होता है, किसी में 50% होता है, किसी में 80% होता है, 100% किसी में भी नहीं होता कि सल्फेट फ्री 100% है, नहीं। अच्छा, अगर वो सल्फेट नहीं होगा ना तो आपका बाल क्लीन भी नहीं होगा, अच्छा क्योंकि सल्फेट एक तरीके से डिटर्जेंट
समझ लो और लोकल जो कई लैंग्वेज में सारे बोल रहे हो। प्रोडक्ट्स हैं, मतलब अगर मैं सिर्फ ब्रांड की बात ना करूँ, जैसे जो कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, जो ये अपने आप को कहते हैं कि हमारे उसमें बिल्कुल भी सल्फेट नहीं है, सल्फेट फ्री है, तो क्या उनमें भी नहीं है? सल्फेट होगा, डेफिनेटली होगा, अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तब भी सल्फेट होगा, बिकॉज बगैर सल्फेट के बाल क्लीन हो ही नहीं सकता। अच्छा ये आप अगर आपको सल्फेट फ्री 100% में मिल रहा है तो अगर आपके बाल क्लीन नहीं होंगे उससे भी, ऐसा नहीं है होते नहीं है, होते हाँ हैं हाँ लेकिन उससे बाल क्लीन नहीं होते, 2 से 3 शैम्पू करने ही पड़ते हैं आपको, तब जाके बड़ी मुश्किल से सामान, लेदर बनेगा ही नहीं, वो झाग होता है लेदर बनेगा ही नहीं, हम जैसे लड़के तो मतलब मोस्टली साबुन ही लगा लेते ना कोई भी लगा बालों लो। में, कि चलो नहा ही रहे तो ऊपर सारे बाल यही लगा लो, इसी से शैम्पू हो गया, हाँ वो ठीक रहता है, वो नेचुरल है? साबुन लगाना नहीं आता ना, क्योंकि साबुन में एक्सेस लेवल का सल्फेट होता है, ओ ओके तो आपको साबुन लगाने से फ़ायदा कुछ नहीं है, और ज़्यादा ड्राइनेस मिलती है। अच्छा अब जब जैसे मैंने आपकी स्टार्टिंग में बात करी थी कि क्यूटिकल के लिए, क्यूटिकल और कोर्टेक्स लेयर्स की बात करी थी, तो शैम्पू क्या करता है, हमारी क्यूटिकल लेयर को ओपन कर देता है। एक तरीके से एग्जांपल दूंगा, जैसे आप अंदर आए, डोर खुला छोड़ दिया आपने, डोर खुला छोड़ दिया तो मीन सारी डस्ट पोल्यूशन गंदगी सारे अंदर आएगी, और कंडीशनर क्या करता है या मास्क क्या करता है, वो आपके डोर को क्लोज करने का काम करता है। अगर आप अपने क्लोज़ नहीं करा, वो खुला रह गया, तो मीन्स आपके ब्रेकेज भी आ जाएंगे, ड्राइनेस भी आ जाएगी, रिफ्रिजनेस भी आ जाएगी, एंड रफनेस भी आ जाएगी, जो बालों में शाइन आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, सो बाल कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा ओवरऑल ये है। हाँ इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप वो मत करो। खाली शैम्पू नहीं करना, सिर्फ शैम्पू कंडीशनर सीरम तीनों का अलग अलग काम होता है। मैं तो अक्सर जो मैंने अपना जो रख सोचा है वो ये रहता है कि 15 to 20 days में मैं मोस्टली बियर्ड कट ट्रिम करा लेता हूँ, और जो है 1 महीने के अंदर अपना हेयर कट, ओके उससे ज़्यादा उगते भी नहीं है। नहीं ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, महीने महीने में, डेढ़ डेढ़ महीने में लोग हेयर कट लेते हैं, हाँ बट जैसे ग्रोथ, जैसे मैंने उस हिसाब से आपको बताया कि महीने में आधा से 1 इंच के आसपास बढ़ता ही बढ़ता है हाँ 1 महीने में, ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर वो भी नहीं बढ़ रहा, दैट मीन्स तो कहीं ना कहीं ग्रोथ स्लो है, कोई ना कोई सेल्स आपके वर्क नहीं कर रहे, कुछ सेल्स आपके वर्क नहीं कर रहे हेल्दी ग्रोथ के लिए। तो क्या करूँ मैं? आप इसके लिए क्या करो, शैम्पू से पहले 5 मिनट ड्राई मसाज कर लो, फिंगर टिप मसाज, कैसे होती है वो? लाइक आपने शैम्पू करने जा रहे हो, 5 मिनट की फिंगर रोटेट करके फिंगर टिप से ऐसे ऐसे मसाज कर लो। कि कोई और करे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ऐसे करने से आपका लाइक क्या होता है, स्कैल्प स्टिमुलेट हो जाता है, अच्छा स्टिमुलेट होता है तो ब्लड सर्कुलेट इंक्रीज होता है इससे, हाँ और फिर क्या होता है, जब जो जब ब्लड सर्कुलेट इंक्रीज होता है, जो सेल्स ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक्सेलेट करते हैं, हाँ एक्सेलेट करते हैं मीन्स वो जो स्पीड में काम कर रहे हैं वो स्पीड बढ़ जाती है उनकी, अच्छा तो स्पीड बढ़ जाएगी, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। एक होता है ना जैसे बोरिंग के पानी से नहाना, और एक जिसको हम डेलीवरी हाँ लैंग्वेज में मीठा पानी बोलते हाँ हैं, हाँ है ना, उससे नहाना, दोनों में डिफरेंस है क्या? देखो बोरिंग पानी के क्या होता है कि कहीं ना कहीं उसमें रस्ट होता है, हाँ कॉपर होते हैं समरसेबल भाई, का पानी जो हाँ होता है जिसे कहते हैं, पानी उस थ्रू कि जिसके थ्रू आ रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्टिकल ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, हाँ जिसे हम रस्ट भी बोल सकते हैं। हाँ अब वो क्या करते हैं, आपके बालों पे चिपक जाती है, अच्छा चिपक जाती है तो शाइन ख़त्म कर देती है, सीधा सीधा शाइन ख़त्म कर देती है, फिर डलनेस आ जाती है बालों में, रफनेस आने लग जाती है। चाहे आप कोई भी शैम्पू कर लो, कुछ शैम्पूस आते हैं कि जिसमें मेटल को डिटॉक्स करते हैं, हाँ कुछ शैम्पू आते हैं जैसे लॉरियल में एक मेटल DX करके आता है, मेटल डिटॉक्स शैम्पू, अच्छा वो मेटल को जो कॉपर जिंक होता है उसमें जो होता है कॉपर जो होता है उसमें जो आ जाता है पाइप में, पाइप के थ्रू जो आता है हाँ उसको वो कर देता है, डिटॉक्स कर देता है, जिसकी वजह से आपके बालों में हाँ शाइन मतलब वो डलनेस नहीं आने देता, अच्छा उसको डिटॉक्स कर देता है शैम्पू, हाँ ताकि आपके बालों में शाइन मेंटेन रहे, दैट्स इट। ये उसका शैम्पू भी यही काम करता है, कंडीशनर भी उसका यही काम करता है, और बहुत अच्छा रिजल्ट है उसके। आज तक मेरी क्लाइंट को मैंने शायद 2021 में दिया था, वो आज तक यूज़ कर रही है, मीन्स शी इज़ हैप्पी राइट, अच्छा आज तक उसके साथ वो हैप्पी है। मेरे एक डेंटिस्ट फ्रेंड है, और मैं उससे एक बार ऐसे पूछ रहा था रैंडमली कि जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, तो मैंने उससे पूछा कि यार कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, तो उसने मुझे बोला कि कोई सा भी कर लो, एक ही बात है,
बट मेक श्योर कि आप चेंज करते रहो, क्योंकि लेट्स अज्यूम कि आप कोलगेट यूज़ कर रहे हो तो उसने एक लिमिट में आपके दांतों को ठीक करा हुआ है, राइट ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें उसके उसमें ऐसा है नहीं है कि वो ठीक करें उसे, राइट तो आप दूसरा टूथपेस्ट यूज़ करोगे तो उसके एक उसका एक अलग सेटअप है। तो ऐसा हमारे साथ भी है क्या कि अलग अलग शैम्पूज यूज़ करने से आपके बाल अलग अलग तरीके से वो करेंगे? सबसे ऐसा है, शैम्पू फॉर द क्लिनजिंग पर्पस ओनली फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, डिपेंड करता है हम सिचुएशन क्या है स्कैल्प की, फर्स्ट कंसर्न हमारा कौन सा होता है। फॉर एग्जांपल आपका कंसर्न है डैंड्रफ, सबसे सेकेंड कंसर्न है हेयर फॉल, थर्ड कंसर्न है आपका ऑयल। तो हम तीनों तीन शैम्पू तो नहीं दे सकते अलग अलग कि आप एक दिन ये करो एक दिन ये करो, तो हम उस तरीके से बोलते हैं कि जिसके अंदर तीनों चीज़ों का काम हो। फर्स्ट कंसर्न हमारा सबसे बड़ा क्या है, डैंड्रफ, तो डैंड्रफ का शैम्पू देंगे। डैंड्रफ के शैम्पू से क्या होता है कि आपका स्कैल्प क्लीन रहेगा, क्लीन रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लीन के क्लीन से ही क्या हो गया आपका ऑयल भी रिमूव हो गया, नेचुरल जो ऑयली है वो भी रिमूव हो गया। सेकेंड थिंग, जितना ज़्यादा स्कैल्प क्लीन रहेगा उतना कम हेयर फॉल होगा, हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा स्कैल्प का तो हेयर फॉल कंट्रोल होगा। तो तीनों कंसर्न आपके पूरे हो गए उसी एक शैम्पू की वजह से। तो हम लोग उस ऐसी चीज़ों को रिकमेंड करते हैं जो हमने खुद एक्सपीरियंस की होती है। तो बेसिकली वो शैम्पू चेंज करने के बजाय आप पहले ये देखो कि आपके बाल कैसे हैं, राइट सबसे बड़ी आप एक अपने स्टाइलिस्ट से कंसल्ट कर लो, हाँ कि बेस्ट क्या रहता है। हाँ जैसे कि किसी की अगर ऑयली स्किन होती है तो उसका स्कैल्प भी तो ऑयली exactly. होगा तो ऑयली नहीं, कॉम्बिनेशन भी होता है। अच्छा, कई लोगों का मैंने खुद देखा है स्किन ऑयली है तो स्कैल्प ड्राई है। अच्छा, सो वो चीज़ें भी आती हैं कई चीज कई लोगों के उसमें। अगर किसी की ऑयली स्कैल्प है ना, तो उसको किस टाइप के शैम्पू या फिर किस टाइप की ऑयलिंग, क्या उसको ऑयल करना चाहिए वंस इन अ वीक या फिर नहीं करना चाहिए, किस टाइप से रहता है उसका? ऑयल का मतलब मीन्स नेचुरल ऑयल जो आ रहा है ना, दैट मीन्स उसकी सीबम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने शैम्पू किया आज और शाम तक उनका ऑयल हो गया, ग्रीसी सा हो गया। हाँ, सो हम लोग क्या करेंगे, उनको ऑयल रिमूविंग शैम्पू देंगे। अच्छा, क्योंकि कंसर्न हमारा सिर्फ ऑयल रिमूव करना है। ऑयल रिमूविंग में क्या है कि हम लोग ऑयल रिमूव करने के लिए स्कैल्प से देंगे, लेकिन लेंथ के लिए लेंथ उसमें काम आएगा, शैम्पू वो काम भी करेगा जैसे आपका लेंथ ड्राई है और स्कैल्प ऑयली है, उसके लिए दो चीज़ें कर रहा है एक ही शैम्पू, तो हम वो रिकमेंड करेंगे उनको ऑयली ऑयल रिमूविंग शैम्पू। और ये नॉर्मल इंसानों को कैसे, जैसे मैं हूँ है ना, मैं इस इंडस्ट्री से हूँ भी नहीं है ना, अब जो भी आप जैसे ग्रोसरी मार्केट जाते हो आपको शैम्पू लेना होता है तो आप यूजुअली क्या देखते हो, या तो ब्रांड देख लेते हो कि चलो मान लो लॉरियल का लेना है या फिर इसका लेना है इसका लेना है, तो उसके बाद देख लेते हो चलो डैंड्रफ हो रहा है, डैंड्रफ वाला उठा लेते हैं, एक एंटी डैंड्रफ उठा लिया, राइट, उसके अंदर की चीज़ें क्या क्या है इतना डिटेलिंग कोई नहीं देखता। फिर तीसरा देखते प्राइस पॉइंट, अरे ये वाला 450 का, ये वाला 410 का, 410 वाला ले लेते हैं, वो ले लो 410 वाला ले लेते हैं, ये ज़्यादा सही लग रहा है ना, यही इसी को यूज़ कर लेंगे। हाँ, तो कईयों को तो जैसे यही ऑयली स्किन लोगों को पता चल जाती है क्योंकि स्वेट ज़्यादा होता है, लेकिन ऑयली स्कैल्प कैसे पता लगेगा कि ऑयली स्कैल्प है और इसमें क्या यूज़ करना है कैसे? या जैसे राइट, जैसे मैंने अभी आपको खुद ही बताया कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपका स्कैल्प ऑयली है और आपको लगता है कि मैंने आज सुबह शैम्पू किया यार और शाम तक मेरा क्या हुआ, डैंड्र ऑयली हो गया अच्छे से, मतलब ग्रीसी ग्रीसी हो गया, कुछ लगाया भी नहीं मैंने, तो दैट मीन्स आपको एक बार देखोगे, दो बार देखो, दो तीन बार आप फेस करोगे ना उस चीज़ को, तब आपको उस चीज़ का आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरा स्कैल्प ऑयली है। फिर आप एक बार ही जाके आप कंसल्ट करोगे शैम्पू के लिए किसी ने किसी स्टाइलिस्ट से, देन तब जाके हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं या उसको बताते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज ऑफ आपके स्कैल्प प्रोड्यूस स्कैल्प सीबम सीबम जो स्वेटिंग है वो एक्सेस प्रोड्यूस करता है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, किसी का ज़्यादा करता है किसी का कम करता है, सो उसको कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल तो नहीं लेकिन अगर एक्सेस ऑयली हो जाता है तो उसको हम लोग वो ज़रूर करते हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक कि अच्छा सजेशन एक हेयर स्टाइलिस्ट दे सकता है या फिर जो डॉक्टर है डर्मेटोलॉजिस्ट का? देखो डॉक्टर आपको जो सजेशन देगा वो आपका इंटरनल के लिए होगा। अच्छा, जैसे इंटरनल, ठीक है, क्योंकि हम इंटरनल वर्क नहीं करते, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क करते हैं, और जो हेयर से जैसे हमें विजुअली दिखाई दे रहा है हेयर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है, ये रहता है, ये फर्क रहता है, ठीक है। आप अपने बारे में बताएं, मैंने आपसे बहुत कुछ हेयर चीज़ के बारे में पूछा है, आपने आपके बारे में पूछा नहीं है, मुझे ऑल्दो आपकी जर्नी पता है लेकिन
कैसे कैसे क्या क्या किया था, और वो मैकडी वाली बात जरूर बताना, क्या क्या कौन कौन से किस किस तरह की जॉब किए हैं आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो ड्रीम था एज अ शेफ बनने का था oh. इस लाइन में बहुत पहले स्कूल टाइम से ही, मतलब मैं जब 6th 7th में था तब से सो मेरा ड्रीम वही था. सम सिचुएशन की वजह से मेरे को फैमिली थोड़ा सा सपोर्ट करने की वजह से भी मुझे थोड़ा सा जॉब करना पड़ा इस वजह से. सो जॉब तो खैर सपोर्ट के लिए तो करना ही था, साथ साथ अपने अपने अर्निंग के लिए, मीन अपने आप को वो करने के लिए कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूँ. सपोर्ट क्या मतलब, सपोर्ट तो नहीं बोल सकता मैं उसको, अपने 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 खर्चे के लिए. हाँ, अपने खर्चे के लिए कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूँ. आफ्टर 12th में एज अ मैकडी में जॉब लगी मेरी. मैकडी में क्या करना होता है? बर्गर बनाने होते हैं और क्या प्रोसेस रहता है वहाँ पे? कितने पैसे मिलते हैं और आपका मन किया तो कभी भी मैकडी का बर्गर उठा के खा सकते हो, ऐसा रहता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है. बेसिकली क्या होता है, हमें पर डे का एक मील मिलता है. एक मील? हाँ, एक मील के अंदर मतलब वही बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, एक कोल्ड ड्रिंक, वही मील? हाँ राइट. अच्छा, आप तीन कुछ भी तीन आइटम्स ले सकते हो बट कॉस्टली आइटम नहीं ले सकते. अच्छा. सो जैसे पौरुष और मैं वहीं यहाँ मिले. हाँ. सो पौरुष मेरा तब से ही मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया. हाँ. और आज तक फ्रेंड है मेरा, इतना टाइम हो गया. और वो अपनी इंडस्ट्री में अच्छा है, मैं अपनी इंडस्ट्री में अच्छा हूँ. सो वहाँ पे क्या होता था, हमारे को हर चीज़ करनी होती थी, ज़रूरी नहीं है कि बर्गर बनाना. अच्छा. बर्गर बनाना एक वो तो एक बात का पार्ट है. हाँ. पहले आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ती थी. हम लोग रात को 11 बजे की 6 बजे की शिफ्ट भी होती थी हमारी. हाँ. 6 से 11 के बाद हम लोग पंचिंग करके, हमने सारा काम भी किया है. मीन्स वहाँ पर क्लीनिंग वगैरह भी रहती थी हमारे लिए. और जो ऑयल कंटेनर्स वगैरह होते थे जिसमें फ्राइज वगैरह बनते थे, ये नॉन, उसको खाली करके उसको क्लीन करना सबसे बड़ा टास्क था. अच्छा. सबसे बड़ा टास्क होता था. और वो हम लोग क्या करते, तू कर ले तू कर ले तू कर ले, क्योंकि बहुत मेहनत लगती थी उसमें. बट मैं इसको ये देखता हुआ चल रहा था, इस इंडस्ट्री में घुसना है तो फिर आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी. तो इस पर्पज से मैं करता था. तो हम लोग 2-2, 2:30, 3 बजे वापस आते थे रात के. हाँ. मैं देखिए 6 बजे की शिफ्ट करने के बाद 11 बजे हमारा पंच आउट हो जाता था. पंच आउट के बाद हमारा असली काम शुरू होता था. ओके. फिर मैं और पौरुष हफ्ते 10 मतलब 15-20 दिन के अंदर काउंटर पे खड़े होने लगे. हम उसे पार बोलते हैं. काउंटर पे खड़े होने लगे, ऑर्डर्स लेने लग गए थे. सो वो हमारे लिए बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस, अच्छा था कह सकते हो आप उसे. और उसमें हमारे को क्या करना पड़ता था, लाइक क्लाइंट से, और फिर हमारी स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी ऑनेस्टली. सो हमारी स्पीकिंग जो है इंग्लिश की बहुत अच्छी हो गई उसके बाद ना. हमारा लाइक क्लाइंट कस्टमर से डील करना, चीज़ों को पता लगना धीरे धीरे, क्योंकि हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं था ऑनेस्टली बताऊँ इस चीज़ में. लेकिन हमारे को मैकडॉनल्ड्स ने हमें ट्रेनिंग्स दी पूरी पूरी ट्रेनिंग्स दी हमें, सब कुछ कराया हमारे हमारे लिए. तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन थक भी बहुत जाते थे क्योंकि आज तक कभी हमने इतना हैवी काम नहीं किया हुआ था. हमारा तो बैंड बज जाता था. लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. लेकिन उसके बाद फिर मैंने बोला होटल इंडस्ट्री में मेरा काम करना बस की नहीं है. अच्छा. क्योंकि होटल इंडस्ट्री में एक ये रहता है, इवन मैंने पूछा रोड से कोर्स करा, आधा छोड़ दिया. अच्छा. इस चीज़ का क्यों? क्योंकि वो 0 से लेके 100 तक आपको सब कुछ सिखाते हैं. मीन्स बिल्कुल आप वॉशरूम से लेके पूरा मैनेजमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट तक आपको होटल मैनेजमेंट टोटल सिखाते हैं. सो स्टार्टिंग में आपको यूँ कह लो आपको कुछ भी दे देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आलू छीलना, ये काम दे दिया. बड़े बड़े सीनियर जो करते हैं मैकडी में भी रहते हैं सब काम, सब आलू छीलो ये सब? नहीं नहीं, वो तो कटे कटे हमारे पास सब कुछ आता था. हाँ. बट हाँ, जैसे पैटी वगैरह ये सब, फ्राइज वगैरह ये सब बनाना हमारे को नीचे से लाना पड़ता था. बनाना नहीं, वो भी बनी बनाई आती थी. अच्छा. काफ़ी उसमें ये इतना हमारे लिए आराम था कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादातर चीज़ें बनी बनाई आती थी. आप लोगों को बस असेंबल करना है? असेंबल करना था, उसको फ्राइज करना था, बने बनाए सब कुछ आता था. और कहीं हमारे को एक्सपीरियंस मिला था कि ख़राब चीज़ें भी हो जाती हैं, एक घंटे में ये हो जाता है वो हो जाता है. तो वो सारी चीज़ें हमारे को देखने के लिए मिली कि ये चीज़ें भी होती हैं, कि एक हम तो खा लेते हैं, लेकिन हम ये चीज़ें सीखने के लिए मिली कि इतनी चीज़ें हमारी ख़राब हुई. आप खाते थे डेली वहाँ पे? जैसे एक मील मिलता था रेगुलर, एक मील मिलता था तो हमारी तो भूख ही नहीं मिटती थी ऑनेस्टली बताऊँ. मैं एक बड़ा वाला महाराजा लेता था, फॉरेस्ट में वही लेता था. हाँ. तब जाके, और फॉरेस्ट में कभी मेरी साथ में शिफ्ट होती थी, कभी अलग अलग कर देते थे, क्योंकि वो जानते थे ये दोनों एक रहते हैं
इनको अलग अलग करो। हाँ तो वो थोड़ा सा हमारे लिए वो हो जाता था, क्योंकि जब ये रहता था हमारा इतना अच्छा टाइम पास होता था, हाँ इतना मतलब इन्जॉय करते थे हम लोग, काम को ही इन्जॉय करते थे। इवन हमने पोछा तक भी लगाया, ऑनेस्टली बताऊँ मैं कोई शर्माता नहीं इस चीज़ को बोलने में, हमने वॉशरूम भी साफ करे थे इस चीज़ के। लेकिन हमारे को सीखने का मन था, कुछ करना था लाइफ में इस वजह से, लेकिन हमें हमने कभी उस चीज़ को छोटा नहीं समझा। लेकिन आज थैंक्स टू गॉड कि मैं यहाँ पर हूँ। और मैकडी के बाद फिर क्या हुआ, मैकडी के बाद कहाँ पहुँचे? मैकडी के बाद फिर मैं मतलब मेरा तो ऐसा है कि मैकडी के बाद मैंने छोड़ने के बाद फिर भी मैंने ये करता रहा, इसी लाइन में था। फिर मैं शिकागो पिज़्ज़ा, आपने सुना होगा शिकागो पिज़्ज़ा में, तो शिकागो पिज़्ज़ा में भी मैंने काम करा। वहाँ तो हमें सब कुछ बनाना पड़ता था, अच्छा काटना पड़ता था, बनाना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था। डो भी जो पिज़्ज़ा का डो होता है, खान मार्केट में था मैं, खान मार्केट में नाइट मेरी 4 से 12 बजे तक की शिफ्ट होती थी, उस दौरान मेरे को बनाना भी पड़ता था साथ साथ, और काटना पीटना भी पड़ता था, सब्जी वगैरह जो भी कैप्सिकम वगैरह हो गया और बाकी चीज़ें होती थी वो सब काटना वो करना भी पड़ता था हमें। तो वो भी एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था। तो इतने बड़े बड़े हम लोग पिज़्ज़ा बनाते थे काफ़ी लार्ज साइज में। अभी भी बनाते हो घर पे? हाँ ये शौक है मेरा बहुत, कुछ भी बनाता हूँ तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी बना लेता हूँ। अच्छा तो लेकिन अच्छा अच्छा लगता है मुझे बनाना घर पे ना, जब भी मेरी छुट्टी होती है, जब भी मैं जब भी मेरी छुट्टी होती है तो मैं अपनी फैमिली को रेस्ट देता हूँ। हाँ कि आज का इवनिंग डिनर मैं ही बनाऊँगा। और इस टाइप की चीज़ें बनाते हैं फिर, बर्गर और पिज्ज़ा? कभी नहीं, नहीं फास्ट फूड तो मेरे पास मदर नहीं खाते इतना। हाँ बट उनको नॉन वेज वगैरह नॉल ये सब कभी कुछ क्रिएटिव चीज़ें बना बना के खिलाना, वो सब चीज़ें मैं करता रहता हूँ। उसके बाद आप पिज्जा में गए, उसके बाद कहाँ पे गए? उसके बाद बेसिकली मैंने ऐसा कुछ करा नहीं। हाँ फिर मैं इसी इंटरेस्ट, फिर मैं एज अ एजुकेशन लाइन में चला गया, मींस एजुकेशन आप सोचो टीचिंग लाइन में ही गया था, बट टीचिंग लाइन कुछ और थी मेरी। मींस आपने जैसे फॉरेन कंट्री से फॉरनर्स आते हैं उनको हिंदी पढ़ाने का काम करा था मैंने। अच्छा बट यू वर सेइंग योर इंग्लिश वाज नॉट दैट गुड उस टाइम तक, तो और अच्छी हुई थी। अच्छा जब हमने मैकडॉनल्ड्स में काम करा उसके बाद बहुत अच्छी हो गई थी, तो मेरा पार्ट टाइम वो रहा। और ये स्टूडेंट्स कैसे मिलना स्टार्ट हुए? ये बेसिकली एक मेरे फादर के फ्रेंड है। अच्छा वो एक ऑफिस में काम करते हैं, तो उनकी कंपनी है तो जिसमें वो लोग क्या करते हैं कि फॉरनर्स को हिंदी टीच करते हैं, मटीरियल वही प्रोवाइड करते हैं सारा पढ़ाने का एंड ऑल, इवन आपका खागा ये सबसे लेके अच्छी हिंदी तक। इवन जब मैं वहाँ पर पढ़ाता था तो मेरे को एक्सपीरियंस मिलता था उनसे, काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिलती थी। लाइक इंग्लिश तो थी भी साथ साथ उनका नेचर, उनका बिहेवियर कैसे, किस टाइप से वो लोग रहते हैं, रहन सहन सब कुछ तो वो मिलता था, तो काफ़ी अच्छा था मेरा वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा ही था मेरा। और हम लोग मैं पढ़ाने जाता था तो मेरे को पर आर के हिसाब से पेमेंट मिलती थी, प्लस 150 पर आर। अच्छा और प्लस साथ ही। कौन से साल की बात है, कौन से साल की बात है ये? अब 2011 के आसपास की। अच्छा 10-11 के आसपास की। तो ये मतलब मैंने शॉर्ट टाइम में मैं मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहा था 6-7 महीने 8 महीने, और 3-4 महीने मैंने शिकागो, उसके बाद मैंने ये वो करना शुरू कर दिया था। तो मेरे को एक टीचिंग का वो आ गया। हाँ तो इसी टीचिंग से लेके मेरे को इस लाइन में मैं इसलिए आया हूँ कि एज अ टेक्निकल एजुकेटर बनूँ। ओके तो मेरा वही रहा कि टेक्निकल एजुकेटर बनना ज़रूरी है। एक टेक्निकल एजुकेटर और एक नॉर्मल सैलॉन में वर्किंग में क्या डिफरेंस है? टेक्निकल एजुकेटर में क्या होता है कि आप लोग आप ऑलरेडी जो सीखे सिखाए उनको ट्रेंड करते हो। अच्छा मीन्स जैसे हमारी लॉरियल है, लॉरियल प्रोफेशनल है, उसमें आप हर चीज़ सिखाते हैं उसमें, लाइक कलर वगैरह जो भी ट्रेंडिंग मार्केट में आता है। हाँ आप उसे ट्रेन करते हो लाइक कि कैसे करना है, हाउ टू मतलब लाइक टेक्निक्स हो गई, कट की टेक्निक्स हो गई, कलर की टेक्निक्स हो गई, कि किस तरीके से कलर को पेंट करना है, किस तरीके से पेस्ट करना है, सारी चीज़ें इसमें आपको बताई जाती है। अच्छा जब आपको इतनी नॉलेज है तो आपने अपना नहीं सोचा कि मैं खुद का सेटअप स्टार्ट करता हूँ इस टाइप का? डेफिनेटली मैंने सोचा हुआ है, बट मैंने पहले फर्स्ट मेरा जो सोचना था कि मैं एकेडमी खोलूँ। अच्छा। लेकिन समहाउ कोविड को देखते हुए लोगों ने इन सब चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं करना शुरू करा। बट अभी तो कई सारी अकेडमीज हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस टाइप की चीज़ें कराते हैं फैशन और कैटेगरी के अंदर। राइट राइट राइट।
बट फिर मैंने सोचा नहीं सलोन ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए, सलोन के साथ अगर सलोन रन हो गया तो आपका एकेडमी भी आप डाल सकते हो। सलोन डालने के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है आपका सबसे बड़ा जगह, अच्छा जहाँ पे आप खोलोगे वो चलेगी नहीं चलेगी, सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो चीज़। और कितना इन्वेस्टमेंट आता होगा, लेट्स अस्यूम कि अगर आपको 3 चेयर वाली शॉप या 4 चेयर वाली शॉप खोलनी है, राइट, है ना, जिसमें एटलीस्ट 4 कस्टमर एक साथ अपने हेयर कट करा सके, तो फर्स्ट स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? 10 to 15 लाख। 10 to 15 लाख चाहिए कम से कम, क्योंकि आपको 6 मंथ का आपको बैकअप लेके चलना ही पड़ेगा। अच्छा, राइट, उससे क्या होगा, बैकअप में क्या होता है, आपका सैलरीज हो गया, प्रोडक्ट्स हो गए, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट हो गया, हाँ। ये सारी चीज़ें आपको 6 मंथ की लेके चलनी पड़ेगी, अदरवाइज आप ऐसे सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, सो बहुत स्ट्रगल भी है, कि आप कह सकते हो स्ट्रगल भी है इस लाइन में प्लस, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा रहता है एक्सपीरियंस। मतलब पहले 6 महीने तक आप ब्रेक इवन पे भी नहीं आओगे, उसके नहीं, बाद आपके खर्चे, वन ईयर तक तो आप, 6 महीने आप ज़्यादा कम बोल रहे हो, लेकिन 1 ईयर तक आप, बोल रहा हूँ मैं, अच्छा 1 ईयर तक आप भूल जाओ कि आपको प्रॉफिट होगा। अच्छा, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हाँ। वो एक आपका लक की बात बोल सकते हो, लेकिन हाँ। अगर आप, अगर आपका 1 ईयर में हो गया, हाँ। 1 ईयर में हो ही जाता है ऑब्वियसली, आप अगर किसी को इंट्रोड्यूस करते हो तो 3-4 महीने 6 महीने चाहिए होता है क्लाइंट बनाने के लिए, सो आपको आराम से वो मिल जाता है, 1 ईयर में आपका रन करने लग जाता है। अगर आपकी लोकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है इस लाइन में, अगर इसी लाइन में 10 सलोन है, मैं अपना खोल लूँ, मेरा चलेगा लेकिन उतना नहीं चलेगा जितना ऑलरेडी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, सो बेटर है कि आप ऐसे नॉर्मल सैलून की इनकम जो नॉर्मली गली मोहल्लों में खुले होते हैं, वो कितनी इनकम होती होगी उनकी, कितना कमाते हैं वो लोग? अगर नॉर्मल शॉप सैलून जगह है, छोटी जगह पे है, ज़्यादातर तो बार्बर शॉप होती है। हाँ, वही बार्बर शॉप आपका, उनका रेंट अगर अपनी शॉप है तो कम से कम 30-40 हज़ार रुपये बचा लेते हैं 1 महीने का सारा खर्चा निकाल के। 30-40 हज़ार टोटल होता है, तो 20-30 हज़ार रुपये बचा लेंगे, बाकी 10-15 हज़ार रुपये ऊपर 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगाते हैं। अच्छा, तो वो मतलब 15-20 हज़ार रुपये मोटा मोटा मान लो बचने का, टोटल आपका 30-40 हज़ार का हो जाता होगा उनका रेगुलर बेसिस पे। 30-40 हज़ार रेगुलर, 30-40 हज़ार महीने का, बट रेगुलर बेसिस पे आप इतना कर लेते हो कि आपका अर्निंग हो जाता है पर डे का। अच्छा, सैलून और बार्बर में क्या डिफरेंस है? सैलून में, बार्बर शॉप में क्या होता है, सिर्फ ओनली जस्ट जेंट्स होते हैं, सलॉन्स में क्या होता है यूनिसेक्स होता है, उसमें आपको बार्बर शॉप में आपको और फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, फॉर एग्जांपल जैसे आपका नेल्स हो गया, ब्यूटी सर्विसेज हो गई, और स्पाज एंड ऑल ये सब नहीं मिल पाता, और आपका कई चीज़ें नहीं मिल पाती जिसकी वजह से आप थोड़ा सा वो होते हो, तो बार्बर शॉप सिर्फ मेंस के लिए बनी रहती, और जो सलॉन्स होते हैं वो यूनिसेक्स होते हैं, तो इसमें मेंस लेडीज़ दोनों का हेयर एंड ब्यूटी दोनों सब कुछ हो जाता है। आपने बार्बर शॉप में भी काम किया? नहीं, कभी नहीं किया। तो आपने कभी ऐसा जो सोचा है वो बार्बर शॉप खोलने का सोचा है, सैलून ही सोचा है? नहीं, बार्बर शॉप खोलने का, सैलून खोलने का ज़रूर सोचा है। अच्छा, दोनों की स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी, क्या क्या रहेगा? अगर बार्बर शॉप खोलोगे तो आप 5 लाख, 5 से 7 लाख के अंदर आप आराम से इजीली खोल लोगे 3 चेयर वाला, और आप सैलून यूनिसेक्स सैलून खोलोगे तो 10 से 15 लाख। अच्छा, और उसका बार्बर शॉप का ब्रेक इवन, बार्बर शॉप कब से प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट होती है और सैलून कब से प्रॉफिटेबल हो जाता है? नहीं, प्रॉफिटेबल की सारे खर्चे निकल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की सारी चीज़ थी वो निकल गई है, ये सारी चीज़ें आपका, देखो उसमें तो 2-3 महीने लग ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए तो टाइम लगता ही, थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है, लेकिन हाँ जल्दी ही बार्बर शॉप का काम रन कर दिया जाता है। अच्छा, रन करता है, लेकिन लेडीज़ का थोड़ा सा काम होता है, क्योंकि लेडीज़ हर जगह पे विजिट करके आती हैं, हाँ 10 सलोन्स में घूम जाएंगे तब जाके आपके सलोन में आएंगे, तब वो भी उसमें भी कंपैरिजन रहता है, सलोन में मेकअप वगैरह चीज़ें yes, रहती हैं, मेकअप वगैरह भी रहता है। तो ये अभी तो शादी वेडिंग सीजन जैसे आता होगा, हाँ, तो वेडिंग सीजन में तो आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती होगी, राइट? बहुत मेकअप थे हमारे, इवन मैं भी आया था यहाँ पर, मॉर्निंग में हमारे को 7 बजे भी आना पड़ा, क्योंकि मॉर्निंग में कुछ लोग सिख लोग जो होते हैं वो मॉर्निंग में ज़्यादा करते हैं, तो हमारे को उसकी वजह से आना पड़ा, प्लस रात को भी देर से जा रहे हैं कई बार, नाइट में भी हमने ब्राइडल भी रेडी करी है यहाँ पे,
और काफी सारे मेकअप एक टाइम पे कम से कम 9 मेकअप भी करते हैं। कितने टाइप के मेकअप होते हैं, हर मेकअप में क्या क्या डिफरेंस है? HD होता है, HD मतलब हाई डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन होता है, नेचुरल होता है, न्यूड मेकअप जिसे बोलते हैं, नेचुरल बिल्कुल एकदम सोबर सा वो रहता है, एंड आफ्टर आपका ब्राइडल मेकअप होता है प्रॉपर। बाकी ये सब चीज़ें 3D मेकअप क्या होता है? 3D मेकअप में यार रिफ्लेक्शंस के ऊपर काम करते हैं। अच्छा। जैसे आपने इधर रिफ्लेक्ट अदर टर्न किया तो आपका रिफ्लेक्शन अलग आ रहा है, थोड़ा आप कंटोरिंग वगैरह अच्छी आ जाती है, जॉ लाइन वगैरह शार्प नज़र आती है। और एयर ब्रश भी होता है, एयर ब्रश पे क्या होता है, हमें ब्रश की ज़रूरत नहीं होती, गन होती है, एयर ब्रश होती है, एयर ब्रश गन होती है, तो उसको आप स्प्रे करते रहो लाइक स्प्रे पेंटिंग। विच मेकअप इज गुड? सारे मेकअप अच्छे होते हैं बट डिपेंड करता है सिचुएशन, मतलब बॉडी विल रिकमेंड कि अगर मेकअप हो तो यार ये वाला ठीक है। एयर ब्रश मेकअप सबसे बेस्ट है, न्यूड मेकअप सबसे बेस्ट रहता है। न्यूड मेकअप कि नेचुरल जो है वो बिल्कुल नेचुरल रहता है, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में यही चल रहा है। अच्छा। कि ब्राइडल भी न्यूड मेकअप ही ले रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा हैवी नहीं, वो नहीं हैवी नहीं रखता। हाँ। क्योंकि उनका ऑलरेडी इतना हैवी होता है, फेस भी हैवी लगे तो और ज्यादा ओवर हो जाता है, लेकिन जब वो सटल मेकअप लेते हैं तो और सोबर नेचुरल मेकअप लेते हैं तो और इनहेंस करते हैं। लड़के किस टाइप के मेकअप लेते हैं? बेसिक फाउंडेशन। अच्छा। बेसिक फाउंडेशन में क्या होता है, हल्का सा क्लीन करा फेस, फेस करके हल्का सा जहाँ जहाँ आपको अनइवन स्किन लग रही है, अनवांटेड टोन आ रही है आपकी, तो आप उसको हल्का सा कवर अप कर रहे हो, दैट्स इट। उसमें मेंस में ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए, मैं तो ये रेकमेंड करता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, हम नेचुरल उनका भी रहता है, बस वो ज़्यादा अच्छा ताकि डार्क ना लगे स्किन, क्योंकि फोटोशूट वगैरह भी होता है, तो हल्का फुल्का आप मेकअप करवा सकते हो उसमें। अब इन्फ्लुएंसर की दुनिया भी हो गई है, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स मेकअप आर्टिस्ट वीडियोस बनाने लगे, रील्स बनाने लगे, उनसे काफ़ी अच्छी अर्निंग्स है यूट्यूब वीडियोस से, इस हेल्प से। आप इस सही फील्ड में हो, आपने ये सब नहीं सोचा कि चलो मैं कुछ वीडियोस क्रिएट करूं, जो आपके पास नॉलेज है इन सब चीज़ों को लेकर के? सबसे मैंने सोचा तो है कि मैं कभी कुछ करूँ, बट मेरे हिसाब से बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारा टाइम इशू। अच्छा। टाइम ही नहीं मिलता, एक टाइम एक ऑफ होता है तो फैमिली के लिए जाता है, ऑनेस्टली फैमिली में कुछ ना कुछ काम आ जाते हैं, तो ये रहता है, और बाकी आपको 10 से 12 घंटे, 8 घंटे, 9-10 घंटे तो आपको यही रहना है। मतलब आपका कुछ टारगेट रहता है कि जैसे आप यहाँ पे सीनियर हेयर स्टाइलिस्ट है ना, कि आपको दिन में इतने कस्टमर्स को अटेंड करना ही करना है, ऐसे कोई मेजर प्रेशर टारगेट नहीं है। हाँ। बट हाँ, हमारा खुद का पर्सनल टारगेट ये रहता है कि मैं आज इतने क्लाइंट अटेंड करूँ, कितने लाइक 8 से 10 तो मेरे को कम से कम रहता ही है कि मैं करूँ, लेकिन हम लोग कभी कभार 5 करते हैं, कभी 4 करते हैं, कभी 1 भी नहीं करते। अच्छा। ऐसा भी टाइम आता है हमारे पास, जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो हमने मैं पूरा पूरा दिन खाली भी बैठ के गया हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा। जब हम लोग ने इंट्रोड्यूस करा क्लाइंट्स को, हम लोग इंट्रोड्यूस हुए क्लाइंट के साथ, तो धीरे 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 क्लाइंट के साथ बॉन्डिंग क्रिएट हुई, देन उसके बाद वो रेगुलर हुए, हमारी सर्विसेज उन्होंने ली, उनको अच्छा लगा, एंड उन्होंने कमेंट भी करा, फीडबैक भी दिया, काफ़ी रिव्यूज़ हमारे गूगल रिव्यू भी है हमारे सिल्वर सलोन के नाम से, वो रिव्यूज़ पे भी हम वो देख के आते हैं, कुछ लोग आजकल वैसे भी ज़्यादातर लोग रिव्यू देख के आ जाते हैं, तो रिव्यू जिसके अच्छे होते हैं वहीं जाते हैं, तो हमारा कंपटीशन के लिए तो बहुत है, तो रिव्यू सबसे ज़्यादा हमारा हेल्प करता है, रिव्यू हमारा डलते हैं, तो रिव्यू में तो आपको दिख जाता है सारा चीज़ें कि कैसे कैसे आपको वो करना है। व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप, क्या करने वाले हैं लाइफ में आगे? इन फ्यूचर मेरा एज अ ट्रेनर, ट्रेनर या सैलून ओनर, सैलून ओनर के साथ साथ मैं खुद भी काम करूँगा बस। बट मेरा इस इंडस्ट्री में आने का पहले भी यही ड्रीम था कि गोल था कि मैं एज अ टेक्निकल एजुकेटर ही बनूँ, ट्रेनर बनूँ, एंड आज भी मेरा वही है कि एज अ ट्रेनर मैं बनूँ। जब वेडिंग सीजन आता है तो अर्निंग्स में कितना कितना डिफरेंस आता होगा कि वेडिंग सीजन में सैलून की अर्निंग लेट्स अज्यूम बाकी मंथ में लेट्स अज्यूम कि 1 लाख हो रही है, लेकिन जब वेडिंग सीजन आया तब कितनी कितना मल्टीपल एक्स हो जाता है? डिपेंड करता है सब कुछ कि फॉर एग्जांपल जैसे वेडिंग सीजन आया, वेडिंग सीजन में हम लोग काम ज़्यादा आता है, मींस अगर आपके पास एक ब्राइडल आ रही है उसके साथ साथ 4 लोग और आ रहे हैं, मींस आपका काम 4 गुना और बढ़ गया, तो वो हमारे लिए इनकम बढ़ जाती है साथ। और जब सीज़न ऑफ होता है तो हमारे पास सिर्फ बेसिक चीज़ें रह जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक सर्विसेज, टचअप हो गया, ब्लो ड्रायर हो गया, कट हो गया, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हो गई, नॉर्मल फेशियल हो गया, पेडिक्योर एंड ऑल, ये सब रहता है, सो ये सब रहता है। बाकी जो उस टाइम पे होता है तो हमारा मेकअप्स हो गया, वेडिंग सीजन पे होता है मेकअप्स हो गया, आपका हेयर हो गया, हेयर स्टाइलिंग हो गई, कलर हो गए, कलर अमाउंट में कितना डिफरेंस आता होगा? अमाउंट में
40% के आसपास का डिफरेंस आ जाता है, 30-40, 30 के आसपास, मतलब लेट्स अज्यूम कि अगर 1 है तो 130-150 की रेंज में पहुंच जाते हैं, ज़्यादा भी हो जाता है कई बार, ऐसे भी 40-50 ऐसे भी हो जाता है। तो बट हमारा जो 6 मंथ हमारा बहुत अच्छा जाता है, 6 मंथ थोड़ा हल्का जाता है। और ये डेज वाला भी इफेक्ट आता है क्या कि मंडे जैसे ट्यूसडे हेयर कट नहीं कराना, थर्सडे नहीं कराना, सैटरडे नहीं कराना? बहुत से लोग आते हैं ट्यूसडे वॉश नहीं कराते, थर्सडे वॉश नहीं कराते, कट नहीं कराते, सीजर नहीं लगवाना। आपके आप इस लॉजिक को मानते हैं या फिर क्या रहता है आपके उसमें? ऐसा तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, करवाने वाले करवाते भी हैं कुछ। नहीं, मैं आपका पर्सनल अगर पूछूं तो आप इस लॉजिक को मानते हैं? नहीं। और लोगों से पूछा नहीं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं? पूछा ना, बट कुछ क्लाइंट बोलते नहीं, हमारे पहले से ही हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, ये जो दादा वगैरह नॉल, ये सब मानते हुए आ रहे हैं, तो हम भी उसको फॉलो कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ ऐसे ही पूछा था कि आप ट्यूसडे को या थर्सडे को नॉन वेज क्यों नहीं खाते, वो चीजें एक अलग हो जाती है। वो कहते नहीं, हम लोग शुरू से नहीं खाते। कोई मेरे को बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग आंसर कुछ भी नहीं मिला आज तक तो फिलहाल। एक स्टिग्मा है वैसे, मतलब मेरी एक दोस्त है बहुत अच्छी, वो मेरे को उसका भी ऐसे सैलॉन है और मैं उससे बात कर रहा था, तो उसने मुझे बोला कि कई बार जब हम किसी वेडिंग के उसमें जाते हैं ब्राइडल के लिए या फिर इस टाइप से, तो कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है और कहीं कहीं हमें ऐसा समझा जाता है कि हम कौन है ना। उसके ऊपर ये है क्योंकि एक होता है ना, जैसे कई सारे जो लोग होते हैं जो रिस्पेक्टफुली जॉब को लेकर उसको कंसीडर नहीं करते कि हाँ सैलॉन में तो है, बताइए वो रेस्पेक्ट वाली बात नहीं आती है, ऐसा फील करते हैं आप? ऐसा रहता है आप अपलोडेड? हाँ, कई जगह पे इवन मेरे रिलेटिव्स हैं, फैमिली, मेरी बुआ का फैमिली है, सो वो वहाँ पे हरियाणा साइड में रहते, तो वो लोग बोलते हैं, अगर मैं अपना प्रोफेशन बताता हूँ, मैं एज ए ट्रेनर बताता हूँ या एज अ आर्टिस्ट बताता हूँ, कुछ भी ऐसे बोलता हूँ, मैं ये नहीं बोलता कि मैं हेयर ड्रेसर या मैं बाल काटता हूँ, तो उनकी मेंटालिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है कि अरे तू तो ये काम कर रहा है, मतलब मीन्स छोटे में ले जाता है बिल्कुल। आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों सोचते हैं, मैंने सुना है, मेरे साथ हुआ है ऐसा, कई बार हुआ है। क्या हुआ है आपके साथ, एक बार केस बता सकते हैं? जैसे आप मेरे बुआ के फादर इन लॉ है, अब तो खैर इस दुनिया में नहीं है, बट उन्होंने कई बार ऐसा बोला क्या काम करते हो, सो वो बिल्कुल पंचायत टाइप के उठना बैठना है उनका, वैसे ही पुराने ख्याल वाले हैं, तो मैंने बता दिया एज ए आर्टिस्ट हूँ, फिर मेरे को उनको किसी से प्रूफ पता लग गया कि ऐसा सही काम करता है, तो उन्होंने मुझे ऐसी बातों में थोड़ा सा एम्बैरेस फील कराया, बट मेरे को अच्छा नहीं लगा कि लाइक उन्होंने यही बोला कि तू ये काम करता है तो ना ही है, ये है वो है, बट आई मीन वो चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लगी, लेकिन ठीक है। बट फिर मैं बाद में सोचता नहीं यार, मैं जो कर रहा हूँ वो एक अलग लेवल का है, मैं इस काम को अपना मतलब पैशन मानता हूँ, मैं ना इसको पैशन से करता हूँ, मतलब मेरे को वही चाहिए, मेरे को पैसे से मतलब नहीं है, एक पैसा एक पार्ट हो जाता है, देखो काम करो तो ऑब्वियसली एक पार्ट है, वो लाइफ का पार्ट है, और चाहिए नहीं करोगे तो अभी आपकी लाइफ नहीं चलेगी, लेकिन ये पैशन है, काम बहुत ज़्यादा मैं प्रायोरिटी देता हूँ, इवन मैं 12-12, 14-14 घंटे भी अपना टाइम देता हूँ इसमें, अपनी फैमिली से ज़्यादा यहाँ टाइम देता हूँ, सो इस चीज़ से मैं बहुत प्यार करता हूँ। एक सैलून ओनर कितना कमाता होगा महीने का अगर उसका ठीक ठाक सैलून चल रहा है तो? सैलून ओनर अगर सब कुछ मिला के अगर उसका ब्रेक इवन, अगर फॉर एग्जांपल ब्रेक इवन 15 लाख है, अगर वो 16-17 करता है मंथ में, तो मींस सब कुछ निकालने के बाद सैलरी वगैरह तो 1-2 लाख वो निकाल दिया, 1.5-2 लाख रुपये आराम से वो अपना अर्निंग करता है। और जैसे आप जैसे यहाँ पे सीनियर एम्प्लॉय हैं, आपकी सैलरी कितनी है? मेरी अराउंड 50+ है। अच्छा, सो वो मैं मेरे साथ रहता है, और साथ ही साथ जैसे हमारा टारगेट वगैरह भी हो जाता है, जैसे हम लोग खुद टारगेट सेट करते हैं कि नहीं यार अब आज 2 लाख दे दिया इस महीने, तो 3 लाख अगले महीने देना, मीन्स हम लोग अपने अनुसार तो परसेंटेज वाइज हम लोग रखते हैं, समझा? तो मीन्स कुछ कुछ परसेंटेज का इंसेंटिव भी मिल जाता है हमारे को, सो अलग से सैलरी को हटा के अलग से हमारे को वो अर्निंग हो जाती है बेस्ट। ठीक है, एक थोड़ा सा ज्ञान इसमें चाहिए होगा कि लेट्स अज्यूम कि जिसका राउंड शेप है, गोल वो है, उसके लिए किस टाइप का हेयर स्टाइल अच्छा है, किसी का फ्लैट है तो कैसा अच्छा है, किसी का ऐसा लंबा वाला फेस है उसके लिए कौन सा अच्छा है ना, इस टाइप का आप थोड़ा थोड़ा बता सकते हो? श्योर। सो सबसे बेस्ट शेप जो होती है ना हेयर की, फेस की, तो वो होती है ओवल, तो हम लोग हर तरीके से ओवल या स्क्वायर रखने की कोशिश करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राउंड फेस, राउंड फेस में हम स्क्वायर रखने की कोशिश करेंगे मेंस के,
क्यों? क्योंकि उसकी जॉ लाइन ये भी बहुत बाहर निकला होता है और चीक्स बोन भी बहुत काफ़ी वो रहता हैवी रहता है, तो उसको हम लोग ब्लेंड करेंगे। अगर यहाँ से ज़्यादा शॉर्ट कर दिया तो मीन्स वो ऐसा नैरो हो जाएगा थोड़ा सा, तो बेटर है कि हम उसको स्ट्रेट ले ला के बैलेंस करें। जैसे आपका, मैं नहीं कह रहा है, जैसे आपका ये ऐसे नहीं है जा रहा, ये आपका ऐसे आके फिर ऐसे हो रहा है, इसका आ रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा पफ वगैरह रखेंगे, थोड़ा फॉल ऐसे रखेंगे, तो वही आपका नेचुरल फॉल में चला जाएगा। सो स्क्वायर में आप जा सकते हो, स्क्वायर आपके फेस शेप को मतलब राउंड से ख़त्म कर देगा, राउंड ख़त्म कर देगा जैसे ही ग्रो करेगा। और मैं जैसे ऑलरेडी आपके बाद पहले भी शॉर्ट थे, मैं आपको रिकमेंड करूँगा बहुत ज़्यादा शॉर्ट में ना जाके मीडियम फेड कराओ। सो मीडियम मैंने उतना फेड नहीं करा क्योंकि मैं स्किन फेड नहीं कर रहा था, तो मीडियम फेड मैंने इसलिए करा है कि ताकि आपको आगे जाके थोड़ा सा ग्रो हो जाए, ताकि ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस हो जाएगा, तो ये आप, अगर आपका ऐसा रहेगा तो ये आपका स्क्वायर रहेगा, ये अंदर की तरफ नहीं जाएगा। ये अगर हम शॉर्ट ज़्यादा कर देंगे तो ये अंदर चला जाएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा, मतलब आपका ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे जाएगा। तो हमारा और किसी का लंबा फेस हो जाए, लॉन्ग फेस में हम लोग साइड्स कवर करते हैं और ये फोरहेड्स कवर करते हैं, मींस ताकि वो थोड़ा सा शेप, फेस फ्रेमिंग जिसे हम बोलते हैं, अगर लेडीज़ में हम लोग देखते हैं तो हम फेस फ्रेमिंग के लिए बोलते हैं। अगर उनका फोरहेड भी ब्रॉड है प्लस लॉन्ग फेस है तो हम उसको ओवल में शेप देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेस्ट शेप वही रहती है, जो एक्चुअल शेप होनी चाहिए वो ओवल शेप होनी चाहिए। ओके, ये रहता है। अगर किसी को बाल लंबे करने हो, है ना, किसी को बाल बढ़ाने का शौक हो, तो उसके लिए क्या क्या टिप्स होने चाहिए कि यार ये चीज़ आपको करनी चाहिए ताकि आपके बाल अच्छे से बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं? राइट, एक हेल्दी ग्रोथ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हेल्दी ग्रोथ भी आए और प्लस आपके बाल हेल्दी बाल रहे, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं बोलूँगा जैसे आप महीने में, 3 महीने में एक बार ट्रिमिंग ले लो, 1/2 इंच 1 इंच के बराबर, फीमेल्स के लिए। मेल दोनों के लिए बता दें। मेल्स में तो आपको 15 से 20 दिन में आपको ट्रिमिंग की ज़रूरत होती है, तो वो तो एक हेल्दी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी रिकमेंड सजेस्ट किया था कि आप ड्राई मसाज करो स्कैल्प स्टिमुलेशन के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए, जिसकी स्लो है। बट अगर आपको जैसे मेंस के लिए मैं बोल रहा हूँ 20 से 25 दिन में आप ट्रिमिंग लेते रहो, एक एज एम यूनिफॉर्म में रहेगा, तो ट्रिमिंग मतलब थोड़े से कराना ताकि वो वापस 1 इंच 1/2 इंच के आसपास। बट ये नहीं होगा माइंड में कि हम तो लंबा करना चाह रहे हैं, कटना काटना, ट्रिमिंग जरूरी होता है। क्यों? क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ आपके एंड्स में ना स्प्लिट एंड्स बन जाते हैं, आपका बाल ऑलरेडी पतला है, साथ साथ आपके बालों के अंदर से एक और बाल निकल रहा है, और उसको दो मोए जैसे बोलते हैं, वो स्प्लिट एंड्स होते हैं, तो वो ऑलरेडी बाल को पतला कर देगा, तो मींस बाल की ग्रोथ और ज़्यादा पतली होगी। हैवी और हेल्दी होने से बेटर है कि हैवी वो होगी, हैवी हो जाएगी अगर आप ट्रिमिंग लोगे तो पतली नहीं होगी। उसके बाद जब आप ट्रिमिंग ले लोगे 1 इंच 1/2 इंच, तो आपका हेयर और अच्छा हेल्दी दिखने लगेगा, इवन नीचे से भी, क्योंकि लेडीज़ में क्या होता है कई बार ऊपर से तो हेल्दी दिखाई देता है, मोटा डेंस आता है, लेकिन नीचे आते आते पूंछ बन जाती पतली। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ ब्रेक, वो बाल पतला हो जाता है तो ब्रेक होने लग जाता है, तो बाल ब्रेक होगा तो डेफिनेटली आपके बाल की डेंसिटी भी कम होगी, अमाउंट कम होगा हेयर का। सो बेस्ट है कि आप हर 3 से 2.5 से 3 महीने में आप ट्रिमिंग ले लो, 4 से 5 महीने में प्रॉपर हेयर कट लेडीज में, और 15 से 20 से 25 दिन में मेंस ट्रिमिंग ले लो, नहीं तो मैक्सिमम 1 मंथ। अगर किसी को लॉन्ग ही करने हैं, महीने में एक बार आप हल्का सा ट्रिमिंग ले लो 1/2 इंच, ताकि डेंडेंस निकल जाए, ताकि हेल्दी ग्रोथ जो शेप आ रही है ना उस शेप को मेंटेन करके रखो लॉन्ग के साथ, वो आप करा सकते। और किसी के बाल लंबे होते ही नहीं है, वो कैसे लंबे करेगा? ऐसा तो नहीं है, जब तक लाइफ चल रही है, जैसे आपके होंगे ही होंगे, हाँ हाँ लंबे होंगे, जब तक आपका लाइफ है तब तक आपके बाल कहीं ना कहीं ग्रो होते रहेंगे। अच्छा। हाँ, एक पॉइंट आ जाता है जहाँ से मेंस के देखा होगा सामने से गंजेपन, वो गंजेपन एक टाइम तक रहता है, वो हो जाता है, हो सकता है हेरिडिटी हो सकता है, हैवी मेडिसिन हो सकता है, कुछ डाइट की वजह से कोई मेडिसिन चल रही हो, या कुछ ऐसा हो, कोई इशू हो, बॉडी इशू हो, थायराइड वगैरह कई लोगों के होता है, कई चीज़ें होती है, उसकी वजह से होता है, एक कारण नहीं है हेयर फॉल का। अच्छा, कई सारे कारण होते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करे, बस हल्का सा आपको शेप दे दिया वी का, चलेगा ये आपका नेचुरल, पीछे से स्ट्रेट कर दूँ आपको जैसा ठीक लगे वैसे कर दो, मैं क्योंकि मैंने ज़्यादा ट्रिम नहीं करा, बिकॉज आपको फिर मैं वो शेप के लिए बोल रहा हूँ ना। हाँ,
मैंने बहुत ज़्यादा इसलिए शॉर्ट नहीं करा, रीज़न वही है मैंने आपको बताया ना कि ज़्यादा अंदर चला जाएगा फिर वो बाहर की तरफ आएगा, ये बड़ा बड़ा लगेगा, तो इसलिए बैलेंस करना ज़रूरी है। इसको मैंने इसको बैलेंस कराया था, आप ये देखोगे स्ट्रेट ही लग रहा है, इसके साथ ब्लेंड लग रहा है, अलग से बाहर नहीं आ रहा, तो इसके साथ आप स्क्वायर करेंगे ये चीज़ आपकी ये आ रही है। अब आपको थोड़ा राउंड नहीं लग रहा वो फेस, तो गोलू लग रहा है फिर तो लगेगा थोड़ा बहुत तो लगेगा, लेकिन हाँ अगर थोड़ी और ग्रोथ हो जाएगी जब मेरे पास मार्जिन होगा तो फिर मैं डेफिनेटली नेक्स्ट हेयर कट में वो चेंजेस आ जाएंगे। समझ गया मैं। हाँ। बाकी आपके ऊपर की लेंथ आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है मैं भी स्टाइल करूंगा, ठीक है ठीक है। तो बातचीत का जो ये वाला एपिसोड है थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि इसमें प्रोसेस करते करते मैंने जो है हमारे जो गेस्ट हैं इनका इंटरव्यू लिया, और आई होप कि आपको इस वाले बातचीत के एपिसोड में मज़ा आया होगा क्योंकि मैंने जितने भी सवाल थे वो हेयर से ग्रोथ से रिलेटेड एक वो पूछे, ताकि अगर आपके हेयर से रिलेटेड कुछ इशू है तो आप ये वीडियोस देख करके सॉर्ट कर सके, है ना। भाई का नंबर मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स उनके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो अगर आपको कुछ कॉल पे या पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं, है ना, वो ज़्यादा फीजिबल होगा। और मिलते हैं बातचीत के अगले एपिसोड में। बाय बाय।